मेरे को ऐसे ऐसे अमरनाथ यात्रा जाना है। कहती क्या करेगी जाके? मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस मेरे को है ना इस जंजाल से निकलना है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बस बस ये मतलब नहीं, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा ये सब, मेरे को जाना है। अच्छा ठीक है, कितने दिन में आएगी, कैसे जाएगी, किसके साथ जाएगी? अच्छा कि साक्षी मेरी फ्रेंड थी, तो उससे मैं पहले मिलवा चुकी थी अपनी फैमिली से कि मैं उसके साथ में जा रही हूँ, तो मम्मी ने परमिशन दे दी। और डरते डरते जब हम लोग बस में बैठे थे तो मैंने अपने फादर को फोन किया कि मैं ऐसे जा रही हूँ, मुझे पता था अगर मैं पहले बोल देती तो शायद मुझे परमिशन ही ना मिली। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने बैग उठाया, और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब अमरनाथ यात्रा के सामने वो जो गुफा है ना, गुफा के सामने मैं खड़ी होकर रो रही थी लिटरली, और मैं अपनी माँ को फोन कर रही थी कि अगर शायद आप उस दिन मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते और हाँ नहीं करते ना, तो शायद आज मैं यहाँ आती। और वो कॉन्फिडेंस भी मिला था मुझे उस लड़की का, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी, आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हो, सिर्फ आपके पेरेंट्स ही आपका साथ हो। लेकिन ये लग रहा था कि चलो चार भाई बहन हैं, इतनी सारी वही सेम चीज होगी ना कि ठीक है लड़की ये केज होगी, कमाने लगी और उसके बाद बांध दो किसी के साथ। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरी 23 साल उम्र हो चुकी थी और मेरे को समझ आ चुकी थी कि अगर आपको जिंदगी जीनी है आपको कुछ वसूल होने चाहिए, आपको अपनी फैमिली के दायरे में जो भी उनके रिस्पेक्ट, जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो करना है, बाहर सब ऐसे घोड़े, जब मेरे गाँव अलग है और हम लोग स्टेट ऐसे जो भी टूर्नामेंट होते थे तो वो खेलने जाते थे। और याद है मुझे जैसे आपकी टीचर भी आपको ऐसे कोई कहीं बात डॉमा किया, मुझे लगा था कि क्यों, उस टाइम मैंने कंप्यूटर का बहुत क्रेज हुआ था, तो मुझे लगा कि कंप्यूटर का चलो लड़की है तो वो बाहर तो उनको भेजेंगे नहीं, पुलिस में भी नहीं भेज सकते या किसी और डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकते, तो उसी के लिए मैंने डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा करने के बाद सिर्फ 3,500 और हमारी सोच बदल सकी और एक सेल्फी भी दो। तो आपको तो मैं एक छोटा सा न्योता ये देने के लिए आया था कि अब की बार भारत में G20 हो रहा है, जीके पढ़ते हो सामान्य ज्ञान। सुनील ने प्रारंभ किया, आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि #selfiewithdaughter आप जरूर पोस्ट कीजिए। आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू टेक फोटोग्राफ्स विथ योर डॉटर्स एंड अपलोड ऑन दिस ऐप टू मेक दिस कैंपेन ए सक्सेस। इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कुछ स्तर तक सुनील जाधव को महत्व मिला है।